हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने हमारा इलस्ट्रेशन 26 जो था वो हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो लास्ट इलस्ट्रेशन मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो हम करेंगे। इस इलस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सम्स जो हैं वो भी इसी वीडियो में मेंशन करूँगी, और जो आपको वो आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है हमारा लास्ट वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन 30 में दिया हुआ है, शिवानी एंड नीरज आर द पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 2016 वाज अंडर द एडमिटेड विजय एज अ न्यू पार्टनर ऑन द अबव डेट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। बेटर रिजर्व इज टू बी कैप्ट ₹5,000 और डेप्टर्स। गुडविल इज वैल्यू एट ₹36,000। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएट बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10%। विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट असेट्स ऑफ न्यू फर्म एज अ कैपिटल इन हिज शेयर इन कैश। शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर एंड नीरज सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ फॉर विजय। तब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको सेक्रीफाइस का शेयर देते हैं तो हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस रेशियो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि ओल्ड रेशियो इनटू पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शिवानी का देखते हैं, तो शिवानी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 1:3 इनटू उसने सेक्रीफाइस कितना किया है शेयर उसका 1/3, दैट मीन्स 1/9। उसके बाद नीरज सेक्रीफाइस करे तो नीरज कितना करा है, सेम इज 1/3। उसका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है प्रॉफिट जो है उसका, तो नीरज का यहाँ पे भी सेक्रीफाइस कितना है 1/3। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो नीचे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना आया 1:3। अब यहाँ पे ये जो है इन दोनों का सेक्रीफाइस है वो न्यू पार्टनर के लिए क्या हुआ, उसका न्यू रेशो हुआ, दैट मीन्स कि विजय का न्यू रेशो क्या आएगा 1/9 प्लस 1/3 इज इक्वल टू विजय का रेशो कितना आएगा 4/9। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि विजय हमें यहाँ पे आगे जो है आपको एडजस्टमेंट में गुडविल दी गई है, कितनी दी गई है 36,000। अब ये 36,000 में से सबसे पहले हम विजय का शेयर जो है वो फाइंड करते हैं, तो 36,000 इंटू 4/9 दैट मीन्स कि विजय को यहाँ पे शेयर कितना आएगा 16,000। अब ये जो शेयर जो है वो कैश में लेके आ रहा है विजय, वो हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सेक्रीफाइस रेशो में मतलब कि 1:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी एंट्री हम करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे शिवानी के हिस्से में आएंगे 4,000 एंड नीरज के हिस्से में आएंगे 12,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की, और गुडविल जो है वो हमें कैश में मिले तो हमने कैश अकाउंट में क्या लिखा डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, डेट मीन्स कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड हमने थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हुआ। अब यहाँ पे हम फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो हम करते हैं, यहाँ पे हमने एक साथ दो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमें दिया हुआ है बैड डेट रिजर्व टू बी कैप ₹5,000 ऑन डेप्टर्स। अब यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व जो है वो हमने बैलेंस शीट में कितनी दी गई है 8,000, पर हम रिजर्व कितनी रख रहे हैं 5,000, मतलब कि 3,000 जो है वो हमारे डेप्टर्स बढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे डेप्टर्स बढ़ेंगे दैट मीन्स कि हमारी असेट्स यहाँ पे क्या हुई बढ़ गई, जैसे कि आपको पता है कि बैड डेट रिजर्व कम होती है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे हमने लिखा बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट। पर बाकी के ये जो 5,000 है वो हम कहाँ पे लिखे हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व ₹5,000। इस तरह से यहाँ पे हमने उसकी एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लैंड एंड मशीन इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपको दिए गए 1,50,000। अब उसमें यहाँ पे हमें हमारी असेट्स जो है वो बढ़ रही है दैट मीन्स कि यहाँ पे 10% करेंगे हमारे असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 के 10% करेंगे तो कितना आएगा 15,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे करेंगे हम बैलेंस शीट में असेट्स की साइड लैंड एंड बिल्डिंग में हम प्लस कर देंगे। सेकेंड हमें इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो अब यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है कि सपोज अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू जो है 100 हो तो उसकी बुक वैल्यू से 25% ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसकी मार्केट बुक वैल्यू कितनी होगी 125। अब यहाँ पे बुक वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि अगर बुक वैल्यू 125 है देन मार्केट वैल्यू इज 100, इफ़ बुक वैल्यू इज 50,000 देन मार्केट वैल्यू इज हाउ मच। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी हमारी 40,000 रुपीज़ है,
बट यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू 40,000 आई है। और यहाँ पे हम जब भी एसेट्स की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम किसके करते हैं, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हमने यहाँ पे एंट्री की है लास्ट टाइम 50,000 और अब हमने कैलकुलेट की तो कितनी है ये 40,000, मतलब कि कितनी हमारी एसेट्स कम हो गई, यहाँ पे 10,000 जो है वो हमारी एसेट्स कम हो गए। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरफ लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पर होगी, हम मशीनरी में से 10,000 माइनस कर देंगे। सेकेंड यहाँ पे हमें थर्ड एक उसके बाद एडजस्टमेंट दी गई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है, स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 20,000, अब वो कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 10%। आपको पता ही है कि अगर हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती तो हम कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और उसकी सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट असेट्स ऑफ द फर्म एज अ कैपिटल एंड इट्स शेयर एन इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अब यहाँ पे विजय क्या कर रहा है कि उसका जो असेट्स है कि वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 50% ऑफ द नेट असेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं नेट असेट्स फाइंड करेंगे। नेट असेट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल लाइबिलिटी क्या है, हमारे टोटल कैपिटल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 50% ऑफ कैपिटल इज ब्रॉट बाय विजय एज अ शेयर ऑफ इस कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब यहाँ पे ये जो असेट्स दी गई उसमें से 50% जो है ये दोनों पार्टनर की, और बाकी की जो 50% है वो जो है वो विजय लेके आ रहा है। तो यहाँ पे 50% मतलब कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 1,05,000 एंड 1,64,000। ये जो एडजस्टमेंट है हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल जो है वो हमें क्लोजिंग कैपिटल है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इससे पहले यहाँ पे हमने हमारी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट जो है उसकी हमें कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमें दिए हुए कि शिवानी एंड नीरज, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिवानी के कॉलम में 1,00,000 एंड जो नीरज है उसके कॉलम में 1,50,000। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अगर होते तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो उनका रेशियो उसमें 1:2 में, दैट मीन्स 3,000 एंड 6,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को भी हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया 5,000 एंड 10,000। क्रेडिटर्स हमारे लिए हम उसकी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर गुडविल जो है, गुडविल को भी हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या है, 9,000 एंड 18,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई, मशीनरी की एंट्री कर दी, स्टॉक की एंट्री कर दी, डेप्टर्स की कर दी, बिल्स रिसीवेबल 10,000 जो है वो हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। कैश की एंट्री होगी, कैश अकाउंट में डेबिट साइड बाय बैलेंस पीडी। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आया 18,000, उसमें से हमने डेबिट साइड माइनस किया तो कितना आया हमारा प्रॉफिट जो है वो 6,000, दैट मीन्स 6,000 यहाँ पे दोनों कैपिटल जो कितना आएगा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, सॉरी 1:2 में, तो 2,000 एंड 4,000 दोनों पार्टनर्स को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 एंड 4,000। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने लास्ट अभी देखा था कि जो विजय कितनी असेट्स लेके आ, कैपिटल लेके आ रहा है, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विजय क्या करे कि ये दोनों पार्टनर्स की 50% लेके आ रहे हैं और रिमेनिंग 50% जो है वो विजय लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शिवानी नीरज की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। तो शिवानी का क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया था 1,14,000, उसमें से हमने डेबिट साइड 9,000 माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 1,05,000। एज इट इज नीरज का हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 1,82,000, उसमें से डेबिट साइड हमने माइनस किया 18,000, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई 1,64,000। अब हमें यहाँ पे विजय की कैपिटल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट क्या दी गई थी कि विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट असेट्स ऑफ द न्यू फर्म। तो यहाँ पे विजय जो है वो न्यू जो नेट असेट्स के 50% लेके आ रहे। तो नेट असेट्स तो आपको पता ही है कि यहाँ पे किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल ही है हमारे। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो कितनी दी गई है, नीरज की 1,05,000,
सॉरी शिवानी की और नीरज की 1,64,000। अब ये तो 50% हुई इन दोनों की, और बाकी का रिमेनिंग 50% कौन लेके आ रहा है? विजय। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50% कैपिटल इज इक्वल टू 2,69,000 ऑफ नीरज एंड शिवानी, देन 50% ऑफ विराज कैपिटल ऑफ विजय इज हाउ मच इज इक्वल टू 2,69,000। तो यहाँ पे हमें 2,69,000 कौन लेके आ रहा है? विजय लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हमने विजय के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा 2,69,000 और उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी वही आएगी। और यहाँ पे कैश में लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम करेंगे क्योंकि जो विजय है वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा विजय कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,05,000, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस सेम इट इज। और फिर ये कैपिटल की हम एंट्री करेंगे, कैपिटल कितनी दी गई है? 1,05,000, 1,64,000 एंड 2,69,000। तो हमारा टोटल कितना आएगा? 5,38,000। बाकी सब एंट्रीज हमने कर दी थी, डेबिट साइड का टोटल और कैश अकाउंट की एंट्री हमने की 3,05,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की और डेबिट साइड हमने बैलेंस शीट का टोटल किया, तो 5,68,000 असेट्स के एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सम किया। इस सम में खाली चेंज क्या था कि यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो 50% कैपिटल लेके आ रहा, तो बाकी का 50% ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सम किया। और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के जो सम नंबर 18 एंड सम नंबर 20 जो है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होमवर्क करना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।